हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरे और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बारिश पड़ रही है पिछले 4-5 दिनों से। और आप सभी ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कई जगह काफ़ी फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, जैसे कि मंडी में हुआ था, कुल्लू में हुआ था, मनाली में हुआ था, कहीं ना कहीं बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। वैसे ही पिछले कल हमारे गाँव में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बाढ़ आया था पिछले नाले में और काफ़ी भयंकर ये सीन था। पिछले कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लाइट भी नहीं था और फ़ोन ऑफ हो चुका था, तो मैं थोड़ा बहुत आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि किस तरीके से बाढ़ आया था और क्या क्या हुआ था, पूरा डिटेल से मैं दिखाता हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हो आज का मौसम कुछ इस तरीके से है और मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले कल बाढ़ कहाँ से आए। ये आई थी ये कैलाश के इस वाले एरिया से, आप देख सकते हो, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा नाला है, यहाँ से होते हुए आई थी और अब यहाँ से दिख नहीं रहा है। मेन लोकेशन में चलते हैं और वहाँ से ऊपर को जाएंगे हम, पूरा अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको, फिर चलते हैं अभी पहले। तो दोस्तों, कल शाम को इसी नाले में काफ़ी भयंकर बाढ़ आया था और आसपास आप देख ही सकते हो, रोड का हालत है आप देख ही सकते हो, काफ़ी ख़तरनाक था जो बाढ़ आया था। कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन ऑफ था। और इस साइड आप देख सकते हो पूरा रोड धस गया है और यहाँ से ही नीचे और एक पुराना ग्राड था और वो भी धस चुका है, आप देख सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ सामने जाकर, यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ग्राड था वो भी चले गया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है गाँव वालों का। और इस साइड को एक धोबी ग्राड था वो भी धस चुका है, देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। अभी हम फिलहाल ऊपर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या सिचुएशन रहा था कल। और इधर आप देख सकते हो पूरे दीवार में पानी जाकर, घर के अंदर पानी घुस गया था जिससे आप रेता ही रेता भरा हुआ है। और फिलहाल अभी हम चलते हैं ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी फंस चुकी है दलदल में और शुक्र से गाड़ी तो सेफ है, बट काफ़ी भयंकर कल रात का जो नज़ारा था ना, काफ़ी भयंकर था। और एक भी गाड़ी आप देख सकते हो इधर। और अब ये रोड का हालत तो आप देख ही रहे होंगे, पहले यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोड खुला था कंडे के लिए और कल रात को इसी JCP ने ये पानी का दिशा बदल दिया था, नहीं तो पूरा गाँव में आ जाना था ये पानी। और रोड का हालत तो आप देख ही सकते हो, ओ भाई ये देखो, काफ़ी भयंकर हादसा हो गया है। ये गाड़ी बहुत ऊपर रखा था, कहां से कहां पहुंचा दिया आप देख सकते हो। ये देखो भाई, इधर फंस गया ना, तो वहां से फंस गया। अच्छा, ये तो वहीं खड़ी थी ना, ये देखो दोस्तों, काफ़ी भयंकर बाढ़ आया था और अभी यहाँ पर तहसीलदार आए हुए हैं, पुलिस वाले आए हुए हैं, आप देख सकते हो। वो किसका घर था?
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये काफी छोटा सा नाला था बहुत पहले, और इस बाढ़ के कारण आप देख सकते हो कितना बड़ा नाला बन गया है। और नीचे जो घर दिख रहा है ये भी काफी तोड़फोड़ हो गया इस घर में। अभी मैं नीचे जाकर आपको सारा कुछ दिखाता हूँ डिटेल से। काफी भयंकर नुकसान हो गया लोगों का, आप देख सकते हो पेड़ है, सेब के पेड़ सारे गिरे हुए हैं। ये देखो दोस्तों काफी खतरनाक तबाही मचाया हुआ है इस पानी ने, आप देख सकते हो। घर का आप हालत देखकर सोच सकते हो कि इतना भयंकर बाढ़ आया था। और दोस्तों ये बाढ़ काफी सालों के बाद आया है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे बहुत साल पहले ये इस तरीके से ही बाढ़ आया था। बड़े बुजुर्ग ने हमें सुनाया था, और उस टाइम में इतना नुकसान नहीं हुआ था जबकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और लोग बसे भी ऐसे जगह में जहाँ पर नुकसान हो सकता है। ये देखो दोस्तों ये इतना छोटा सा नाला था, मतलब नाला तो क्या बोलते, कूल था। आज आप देख सकते हो इस बाढ़ के कारण कितना बड़ा नाला बन चुका है। यहाँ एक गाय है, ये तो पूरा फंस गया। चलो चलो, कल वो टेम्पो यहाँ थी ना, यहाँ से ले गया वो टेम्पो को, क्योंकि यहाँ तो रोड खोला है ना, देख पर एक गाड़ी है, यहाँ से ले गया था वो टेम्पो को। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफी भयंकर वाला नुकसान हो गया है। और ये नाला तो था ही नहीं, ये तो छोटा सा कूल था, इतना बड़ा नाला हो गया। अभी पानी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए हमको निकलना पड़ेगा। चलो चलो, जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए हैं फाइनली। हम देख सकते हो उसी लोकेशन पे पहुंच गए जहां से हमने वीडियो स्टार्ट किया था।